चलिए, जिसके ऑफिशियल होने का इंतजार लोग लंबे समय से कर रहे थे, आज वो ऐलान कर दिया गया है। सोनाक्षी सिन्हा के मुस्लिम बॉयफ्रेंड ने आज सारा सच दुनिया को चीख चीख कर बता दिया है। शत्रुघ्न सिन्हा का दामाद कौन बनेगा, ये इंतजार अब खत्म हो गया है। आज सोनाक्षी के 36वें जन्मदिन के मौके पर एक्टर जहीर इकबाल ने न सिर्फ सोनाक्षी को विश किया बल्कि उन्हें सरेआम आई लव यू कहकर अपने प्यार पर मोहर लगा दी। जहीर ने सोनाक्षी के बर्थडे पर उन्हें विश करते हुए लिखा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम हमेशा मुझ पर भरोसा कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो। आगे बढ़ते रहो और हमेशा उड़ती रहो। तुम दुनिया को सबसे पहले देख सकती हो। तुम हमेशा जलपरी जैसी जिंदगी जियो। हमेशा खुश रहो। आई लव यू। जहीर और सोनाक्षी एक दूसरे को प्यार करते हैं, ये बातें अब तक गुपचुप चल रही थी। दोनों हमेशा साथ आते जाते नजर आते थे लेकिन कभी भी खुलेआम उन्होंने अपने प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन आज ये साफ हो गया कि जहीर इकबाल ही शत्रुघ्न सिन्हा के दामाद बनेंगे। जहीर इकबाल के पिता सलमान खान के बहुत अच्छे दोस्त हैं। सलमान खान ने ही जहीर को फिल्म नोटबुक से लॉन्च किया था जो कि सुपर फ्लॉप रही। नोटबुक के अलावा जहीर ने एक और फिल्म डबल एक्सल में काम किया है जो कि सोनाक्षी सिन्हा की ही फिल्म थी। ये फिल्म पिछले साल आई और फ्लॉप हो गई। तो जहीर का करियर दो फ्लॉप फिल्मों का ही है। वहीं जहीर की तरह ही सलमान ने सोनाक्षी को अपनी फिल्म दबंग से साल 2010 में लॉन्च किया। साल 2015 से अभी तक सोनाक्षी की एक फिल्म भी हिट नहीं हुई है, हालांकि उनकी एक फिल्म दबंग 3 सेमी हिट रही थी। फिलहाल सोनाक्षी और जहीर की शादी कब होगी इसका ऐलान बाकी है, लेकिन आज शत्रुघ्न सिन्हा का दामाद ऑफिशियल जरूर हो गया है। आप क्या कहेंगे जहीर और सोनाक्षी के बारे में, अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। और ज़्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पर चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।